गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पिंकी। गुड इवनिंग। आज बेटा करेंगे हाइब्रिड बिगर तो करेंगे सकल ऊंच पे सकल ऊंच तथा अंत है प्रेजेंट ऑफ अंत है प्रेजेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पे। अभी और को ज्वाइन करें तो पिंकी देखते हैं। केमिस्ट्री के पार्टिकल चल रहे हैं पिंकी आपके केमिस्ट्री के पार्टिकल भी ऑनलाइन चल रहे हैं क्या? केमिस्ट्री का पार्टिकल भी चल रहा है ऑनलाइन? सकर रोज करेंगे आज हाइब्रिड बिगर। और को ज्वाइन करने तो आपने ही ज्वाइन किया पिंकी भी। पिंकी चौधरी, पूजा मीणा, मनीषा कुमारी, निकिता चौधरी, सृष्टि गोयल, निकिता चौधरी,
पूजा कुमावत आज अपन ले रहे हैं हाइब्रिड विगर एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन सकर ओच एंड अंतः प्रजनन अवनमन अंतः प्रजनन अवनमन। तो अपन देखते हैं मनुष्य द्वारा अति प्राचीन काल से ही आर्थिक महत्व के विभिन्न पौधों में संकरण की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती रही है, परंतु पौधों में क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन से होने वाले लाभों की आंशिक जानकारी 18th सेंचुरी से मिलने लगी। विभिन्न वनस्पति शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों जैसे स्प्रिंजेल एवं डार्विन के द्वारा पौधों में पर परागण क्रिया से होने वाले फायदों का आने वाली पीढ़ियों में पर्यवेक्षण किया गया तथा वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संकरण की आवश्यकता होती है तथा प्रकृति इसे प्रोत्साहित करती है। यही नहीं वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन पौधों में कृत्रिम रूप से स्वयं परागण संपन्न करवाने की प्रक्रिया एवं हाइब्रिड विगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। जैसे बेटा फर्स्ट है अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग के कारण पौधों में जीवन क्षमता या ओज विगर में कमी आती है। इस प्रक्रिया को अंतः प्रजनन अवनमन इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा है आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों में संकरण करवाने से आने वाली पीढ़ियों में पौधे अधिक जीवनशम या तेजस्वी या ओज युक्त उत्पन्न होते हैं। मतलब जो पौधे हैं वो रॉबस्ट होते हैं और विग्रस्ट होते हैं। पौधे ओज युक्त होते हैं, संकरण के परिणाम स्वरूप संतति पीढ़ी में ओज विगर का समावेश सकर ओज कहलाता है। तो संकर प्रजनन हाइब्रिडाइजेशन को जैविक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो अपन बात करते हैं हाइब्रिड विगर एंड हेट्रोसिस। सकर ओज एवं हेट्रोसिस किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग आनुवंशिक संगठन युक्त समयुग्मजी जनकों में संकरण करवाया जाता है तो आने वाली पीढ़ी में सकल हाइब्रिड संतति प्राप्त होती है जो कार्यकी रूप से फिजियोलॉजिकली एवं बाह्य लक्षणों में मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही जनकों से बेहतर होती है। सकल पीढ़ी के पौधे या जीवन आकृति में सकल पीढ़ी के पौधे या जीवन आकृति में बड़े अधिक रोग प्रतिरोधी जीवन क्षम एवं प्रबल जनन क्षमता से युक्त होते हैं। तो एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, इसको देखना। यह है हाइब्रिड बिगर का बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक क्या बताया अब शुरू करने जा रही हूँ। अतः पौधों में सकल पादपों की जनक पीढ़ी से श्रेष्ठता या उत्तम गुणवत्ता की अभिव्यक्ति को हाइब्रिड बिगर कहते हैं। तो सकल ओज किसे कहते हैं? पौधों में सकल पादपों की जनक पीढ़ी से श्रेष्ठता या उत्तम गुणवत्ता की अभिव्यक्ति को हाइब्रिड बिगर कहते हैं। सकर ओज हाइब्रिड बिगर के लिए अन्य शब्द हेट्रोसिस का उपयोग किया जाता है। हालांकि दोनों शब्द कौन कौन से हाइब्रिड बिगर व हेट्रोसिस लगभग समान है। दोनों का प्रयोग हाइब्रिड बिगर व हेट्रोसिस का प्रयोग भी एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों को हाइब्रिड बिगर को
वह हेट्रोसेस को एक दूसरे का पर्यायवाची सिनोनिम नहीं कह सकते। कुछ वैज्ञानिकों जैसे जैसे हेले के अनुसार हाइब्रिड बिगर सकरोज हाइब्रिड बिगर सकरोज केवल हेट्रोसिस की अभिव्यक्ति कही जा सकती है। मतलब हाइब्रिड बिगर इज द मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रोसिस। सर्वप्रथम डॉक्टर जी एच शेल ने हेट्रोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। तो जी शेल ने 1914 में हेट्रोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। शेल के अनुसार सकर पौधों में ओज विगर की वृद्धि को हेट्रोसिस कहते हैं। तो हेट्रोसिस का अर्थ है एक विभिन्न अवस्था या जनक पीढ़ी से अलग हटकर लक्षणों को धारण करने की विशेषता। शब्द हेट्रोसिस का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों हेट्रो मीन्स डिफरेंट भिन्न एवं ओसिस इज इक्वल टू कंडीशन अवस्था को मिलाकर किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है मतलब हेट्रोसिस का शाब्दिक अर्थ है भिन्न अवस्था अर्थात संतति में जनक पीढ़ी से तुलनात्मक भिन्नता। तो ये अपन ने दिखाया है, देखो मक्का में सकर ओज हाइब्रिड बिगर और हेट्रोसिस इन मेज प्लांट। तो ये मक्का के इनब्रेड्स लिए अपन ने, मक्का का इनब्रेड ए इनब्रेड टू, तो सिंगल क्रॉस कराया है ए और बी में। इसी प्रकार सी और डी इनब्रेड लिए गए हैं ऑफ मेज, इसमें भी सी और डी में भी सिंगल क्रॉस कराया गया है, फिर ये डबल क्रॉस कराया गया है। तो अपन क्या देखते हैं, पावेराई के अनुसार हेट्रोसिस सकर पौधों की जनक पीढ़ी से केवल श्रेष्ठता ही नहीं बल्कि दोनों अवस्थाओं दुर्बलता एवं श्रेष्ठता दोनों को परिलक्षित करती है। अर्थात हेट्रोसिस दो प्रकार की होती हैं, लाभदायक या धनात्मक पॉजिटिव हेट्रोसिस और नेगेटिव हेट्रोसिस हानिकारक या ऋणात्मक हेट्रोसिस। इनमें सकर पौधे ओजपूर्ण या दुर्बल होते हैं। तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, हाइब्रिड बिगर का अध्ययन कर रहे हैं। एक इससे पहले शेयर करती हूँ टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस। हेट्रोसिस के प्रकार के बारे में बता रही हूँ। तो इस प्रक्रिया में संतति पौधों की अनुकूलन क्षमता एडेप्टेबिलिटी जनन क्षमता फर्टिलिटी एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हेट्रोसिस को निम्न वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। पहले है बेटा यू हेट्रोसिस सत्य हेट्रोसिस या यू हेट्रोसिस। तो ये क्या होता है, यह है एक प्रकार की आनुवंशिक हेट्रोसिस है जो कि उत्परिवर्तनों म्यूटेशंस या जीन पुनर्योजन के कारण विकसित हो सकती है। यह भी दो उप श्रेणियों में बांटी जा सकती है। पहला है बेटा म्यूटेशनल यू हेट्रोसिस, उत्परिवर्तन यू हेट्रोसिस, बैलेंस यू हेट्रोसिस, संतुलित यू हेट्रोसिस, फिर है स्यूडो हेट्रोसिस। हाँ बेटा अनुष्का कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा अनुष्का? अच्छा बेटा यू हेट्रोसिस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो म्यूटेशनल हेट्रोसिस क्या होता है, मतलब घातक या अप्रभावी जीन्स के कारण किसी पौधे में विकसित यू हेट्रोसिस को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा है बैलेंस यू हेट्रोसिस, संतुलित यू हेट्रोसिस। तो इस प्रक्रम में इस प्रोसेस में
इस प्रक्रम में जीन्स का संतुलित संयोजन संपन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में वातावरण के प्रति अनुकूलता एवं बेहतर उत्पादन क्षमता विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं स्यूडो हाइड्रोसिस क्या होता है, छदम या कूट हाइड्रोसिस किसे कहते हैं। तो जब किसी पौधे में आनुवंशिक कारकों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अस्थाई ओज विगर एवं अत्यधिक कायिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ के गुण पाए जाएं तो इसे स्यूडो हाइड्रोसिस कहते हैं, तो इसे छदम हाइड्रोसिस कहते हैं। जैसे जैसे अंतर प्रजातीय क्रॉस द्वारा उत्पन्न सकर पौधों में प्रचुर कायिक वृद्धि लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ तो पाई जाती है, परंतु ऐसे पौधे बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, अतः इस घटना को सत्य हाइड्रोसिस यू हाइड्रोसिस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जिन पौधों में यू हाइड्रोसिस होती है वह प्रचुर कायिक वृद्धि के साथ साथ अत्यधिक जनन क्षमता फर्टिलिटी भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि हालांकि हाइड्रोसिस की प्रक्रिया स्वपरागित एवं परपरागित दोनों प्रकार के फसलों में पाई जाती है, लेकिन स्वपरागित पौधों जैसे टमाटर एवं मटर आदि में इसका हाइड्रोसिस का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर अनेक परपरागित फसलों जैसे कपास, मक्का व बाजरा में हाइड्रोसिस का सफलतापूर्वक उपयोग नई सकर किस्मों हाइब्रिड वैरायटीज के विकास में किया गया है। तो अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हाइब्रिड विगर। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हाइब्रिड विगर, ये वाला है सकरों संबंधी कार्य की अवधारणाएं, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिड विगर। पहला है बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म हाइपोथेसिस, संतुलित उपापचय परिकल्पना। क्या बोल रहे हैं, संतुलित उपापचय परिकल्पना। तो इस अवधारणा के अनुसार सकर पौधों में ओज की वृद्धि इनमें वृद्धिकारी हॉर्मोन्स विटामिन्स एवं एंजाइम्स की संतुलित मात्रा के कारण संभव होती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए रॉबिन्स द्वारा संकरण प्रयोगों के अंतर्गत दोनों जनक प्रारूपों का अध्ययन किया गया। इसके लिए रॉबिन्स ने वृद्धिकारी हॉर्मोन्स एंजाइम्स एवं विटामिन का विश्लेषण दोनों जनक प्रारूपों में किया, तथा रॉबिन्स ने बताया कि संकरण क्रिया में सहभागी दोनों जनकों में एक या दो वृद्धिकारी हार्मोन कम थे, परंतु संकरण या क्रॉस के पश्चात प्राप्त संतति पीढ़ी में इनकी मात्रा सामान्य थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि नर जनक में हार्मोन ए उपस्थित एवं हार्मोन बी अनुपस्थित था और मादा जनक में हार्मोन बी उपस्थित एवं हार्मोन ए अनुपस्थित था, तो संकरण के बाद उत्पन्न संतति में हार्मोन ए व हार्मोन बी दोनों ही हार्मोन उपस्थित थे। तो ए के लिए जीन नर जनक एवं बी के लिए मादा जनक से प्राप्त होगी। दूसरा है ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस, बृहद प्रारंभिक
पूंजी परिकल्पना, तो यह अवधारणा एशवी ASHBY यह अवधारणा एशवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार संकरण के पश्चात प्राप्त संतति पौधों में प्रारंभिक भ्रूण के बड़े आकार के कारण ही सकर ओज की मात्रा अधिक होती है। दूसरे शब्दों में भ्रूण के बड़े आकार के प्रारंभिक लाभ ग्रेटर इनिशियल कैपिटल के कारण ही सकर ओज की मात्रा संतति पौधे में अधिकाधिक संभव होती है। तो अश्विन ने अपनी विचारधारा के समर्थन में मक्का एवं टमाटर के बीजों का उदाहरण दिया, जिनके सीड्स में भ्रूण का आकार यदि बड़ा होता है तो उनसे उत्पन्न पौधों में सकर ओज भी ज्यादा होती है। परंतु अनेक वैज्ञानिकों ने इस विचारधारा से असहमति प्रकट की है। ईस्ट ने यह बताया कि कभी कभी सकर पौधों में बीज का आकार जनक पौधों में बीज के आकार से भी छोटा होता है। तो ये हैं सकर ओज संबंधी कार्य की अवधारणाएं। इसी प्रकार तीसरा क्या है, तीसरा भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी क्या है बेटा, एक है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इंटरेक्शन हाइपोथेसिस। कोशिका द्रव्य केंद्र की है, अनोन्य क्रिया परिकल्पना। तो अनेक सुविख्यात पादप प्रजनन विज्ञानियों जैसे लेविस शेल एवं माइकेलिस के अनुसार पौधों में सकर ओज हाइब्रिड बिगर की उत्पत्ति एवं विकास इनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकीय प्रणालियों के बीच अनोन्य क्रिया इंटरेक्शन के कारण संभव होता है। तो यह विशेष तथ्य यह है कि मादा जनक के कोशिका द्रव्य में RNA एवं माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक होती है तथा ये संरचनाएं संतति पौधों में मादा जनक से आती हैं। अतः केंद्रकीय गुणसूत्री जीन्स एवं कोशिका द्रव्यी घटकों की परस्पर अभिक्रिया सकर ओज को विकसित करती है। इस क्षेत्र में और अधिक विस्तृत अध्ययन धवन एंड पालीवाल द्वारा मक्का की फसल में सकर ओज को समझाने के लिए किए गए हैं। अब अपन देखते हैं व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ हाइब्रिड बिगर। सकर ओज के व्यावहारिक अनुप्रयोग एवं सीमाएं। तो पहला है सकर ओज एवं स्व परागित फसलें, हाइब्रिड बिगर एंड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो बेटा सकर ओज हाइब्रिड बिगर के महत्व को देखते हुए व्यावसायिक स्तर पर सकर बीजों को तैयार करवाया जाता है, परंतु स्व परागित फसलों में सकर ओज की महत्ता पर परागित फसलों की तुलना में कम है। इनमें हस्त विपुंसन एवं हस्त परागण जैसी प्रक्रियाएं अत्यंत खर्चीली एवं श्रम साध्य हैं, परंतु पोल एवं सिक्का द्वारा विपुंसन की रासायनिक एवं आनुवंशिक विधियों के अनुप्रयोग द्वारा इस कठिनाई को हल कर लिया गया है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट है हाइब्रिड बिगर एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सकर ओज एवं पर परागित फसलें। तो सकर ओज का सर्वाधिक व्यावहारिक अनुप्रयोग पर परागित क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में फसलों में होता है। फिर भी पर परागण एवं मेंडलीय पृथक्करण के कारण आने वाली पीढ़ियों में सकर ओज का निष्पादन समान स्तर पर करना कठिन होता है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए अंतः प्रजात
जनक पौधों का निष्पादन करना एवं किसानों द्वारा प्रतिवर्ष फसल प्राप्ति के लिए ताजा बीजों की बुवाई ही एकमात्र हल है। तीसरा है बेटा हाइब्रिड विगर एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, सकर ओस एवं कायिक प्रवर्धित फसलें तो विपुलसन एवं संकरण जैसी कठिनाइयों का सामना कायिक प्रवर्धित फसलों में नहीं करना पड़ता क्योंकि ऐसे पौधों में इच्छित लक्षणों का समावेश हो जाने के बाद इनका गुणन कायिक जनन द्वारा किया जाता है। यहाँ अवांछित लक्षणों का समावेश केवल कायिक उत्परिवर्तन सोमेटिक म्यूटेशन द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ हाइब्रिड विगर, सकर ओस की उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो आजकल अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधों एवं जंतुओं में बड़े पैमाने पर सकर ओस का उपयोग किया जा रहा है, परंतु पौधों में इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है बेटा अचीवमेंट्स इन क्रॉप प्लांट्स, जिसकी पहला है बाजरा पेनिसिलिन में सकर किस्म नंबर 1 कौन सी है, HB1 MBH 110 व PHB 101। दूसरी है कपास गॉसिपियम में वर लक्ष्मी एवं H4 किस्म। इसी प्रकार ज्वार है सोर्गम बल्गेर में CSH1 व CSH2। आलू में सोलेनम ट्यूब्रोसम की सभी सकर किस्में। इसी प्रकार बैगन सोलेनम मेलेंजिना में विजय नाम क्या है, विजय। मिर्च कैप्सिकम एनम में चमत्कार किस्म। जिया मेज में जवाहर गंगा एवं विकास किस्में। अब दूसरा है पशुओं में उपलब्धियां कैटल अचीवमेंट्स, तो गायों की जर्सी स्विस साहिवाल सिंधी इत्यादि सकर ओज द्वारा सुधारी गई नस्लें हैं। इसके अतिरिक्त सिल्कवॉर्म रेशम के कीड़े मुर्गियां सुअर घोड़ों इत्यादि की नस्लों को भी सकर ओज द्वारा सुधारा गया है। तो ये है सारी जानकारी सकर ओज के बारे में। तो ये अपना हाइब्रिड विगर कंप्लीट हो गया। अब बताती हूँ व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अतः अंतः प्रजनन अवनमन किसे कहते हैं? तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही मनुष्य ने पेड़ पौधों एवं प्राणियों में अंतः प्रजनन अवनमन को महसूस किया है। आज भी मानव की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक जातियों एवं कबीलों में भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह करना प्रतिबंधित है क्योंकि इस विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति हालांकि जनक पीढ़ी से अनेक लक्षणों में समानता प्रदर्शित करती है लेकिन इनसे होमोजाइगस कंडीशन की भी बलवती होती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक घातक जीन्स या कारक जो विषम युग्मजी अवस्था में अपने प्रभाव की अभिव्यक्ति में असमर्थ थे वह सब युग्मजी अवस्था में आते ही पौधे के ओज या जीवन क्षमता विगर पर हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न फसलों में इस प्रभाव की सीमा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो यह स्पष्ट है कि पौधों में अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप सकर ओज हाइब्रिड विगर एवं जनन क्षमता फर्टिलिटी में जो कमी देखी गई है उसे अंतः प्रजनन क्षमता अवनमन इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो अंतः प्रजनन के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? What are the adverse effects of inbreeding? तो अंतः प्रजनन के परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे
एवं जीव जंतुओं पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। पहला है जनन क्षमता का ह्रास, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो अंतः प्रजनन के द्वारा किसी भी प्रजाति की पादप समष्टि पॉपुलेशन में जनन क्षमता का क्रमिक ह्रास, ग्रेजुअल लॉस देखा जा सकता है। अनेक प्रजातियों में, मतलब अनेक अंत प्रजात वंश क्रमों में, अतः अनेक अंत प्रजात वंश क्रमों इनब्रेड लाइन्स में तो जनन क्षमता इतनी कम हो जाती है कि ये पौधे प्रजनन के योग्य ही नहीं रह जाते। दूसरा है अपीयरेंस ऑफ लीदल जीन्स इन ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में घातक जीनों का प्रकटीकरण। तो अनेक पौधों एवं प्राणियों की आनुवंशिक संरचना में हानिकारक प्रभाव डालने वाले जीन्स पाए जाते हैं, इनको लीदल जीन्स कहते हैं, घातक जीन्स कहते हैं। यह देखा गया है कि ये घातक जीन अप्रभावी होते हैं, अतः विषम युग्मजी अवस्था में पौधों या प्राणियों पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, बल्कि ये तो केवल समयुग्मजी होमोजाइगस अवस्था में ही अभिव्यक्त होते हैं तथा घातक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अतः जनक पौधों में घातक जीन अप्रभावी प्रारूप रिसेसिव फॉर्म में या विषम युग्मजी हेटरोजाइगस अवस्था में होती हैं, लेकिन यदि अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग करवाया जाए तो संतति पीढ़ी में इन जीन्स के समयुग्मजी अवस्था प्राप्त कर लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो समयुग्मजी अवस्था में ये जीन्स अपने प्रभावों की अभिव्यक्ति अनेक घातक लक्षणों के रूप में करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों एवं प्राणियों में भयंकर बीमारियां हो सकती हैं और अंत में इसकी परिणति पौधे या प्राणी की मृत्यु के रूप में हो सकती है। तो लीदल जीन्स घातक जीनों की अभिव्यक्ति के कारण कुछ सीडलिंग्स, कुछ नवानकुर पौधों में जड़ें विकसित नहीं हो पाती। दीज आर द रूटलेस सीडलिंग्स, या कुछ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बिल्कुल ही नहीं बनता अथवा कम मात्रा में बनता है। कुछ पौधों में पुष्प विरूपित या अव्यवस्थित डिफॉर्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, पैदावार या उत्पादन में कमी। तो अंतः प्रजनन अवनमन के कारण, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण कृषि पौधों के फसल उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आती है। अनेक पर परागित फसलों जैसे प्याज, गाजर एवं मक्का आदि में जब स्व परागण करवाया जाता है तो यह दुष्प्रभाव परिलक्षित होता है। हालांकि उत्पादन में कमी की मात्रा अलग अलग फसलों में भिन्न होती है। अब बात करते हैं रिडक्शन इन विगर, ओज या तेजस्विता का ह्रास। तो स्व परागण या अंतः प्रजनन के द्वारा इन वंश क्रमों के ओज में कमी दृष्टिगोचर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे दुर्बल एवं छोटे रह जाते हैं। इसके साथ ही पौधों की पत्तियों, पुष्प एवं फलों की साइज एवं आकृति पर भी ये दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक था हाइब्रिड विगर एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फोर्थ यूनिट है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिड विगर हो गया, रोल ऑफ म्यूटेशन हो गया, ये वाला अपन ने कर लिया है और कल अपन मेंडेल्स लॉज भी कर चुके हैं और तो जो टॉपिक बचते हैं वो मैं करा ही रही हूँ। आप बताओ, आपको कोई और प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, क्योंकि आपका तो ये है, आपका एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है फर्स्ट ईयर वालों के, और प्रॉब्लम है तो पूछो संबंधित। हाँ बेटा, मैम आप स्पीडली बहुत पढ़ाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बेटा स्पीड कम कर देंगे, और बताओ स्पीड कम कर देंगे, और बताओ यहाँ पे कोई पास कोर्स वाले बैठे हैं ना, मनीषा कुमारी पास कोर्स किए, बीएड किए हैं? पास कोर्स मैम।
बेटा आपकी जिसकी फाइल सबमिट हुई है ना पास कोर्स वाले की, अभी तो कोरोना चल रहा है ठीक है, फिर अगर जिस अगर किसको परेशानी नहीं हो तो पास कोर्स वाले भी जाके और करा सकते हैं, जिसकी नहीं हो और परेशानी है तो जाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल फाइल अगर पास भी रहते हो तो करा लेना जमा, नहीं तो फिर 3 तारीख तक तो अपना वही चल रहा है कोरोना, है ना। तो ठीक है बेटा, आज की कल मैं ध्यान कल मैं ध्यान रखूंगी, धीरे पढ़ाएंगी। और आप बताओ और क्या क्या चाह रहे हो मैम? एक बार ये हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर है इसमें बताओ आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है? कौन से टॉपिक, कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले में? फोर्थ यूनिट में कह रहे हो आप? हाँ मैम, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है? कौन से हिंदी मीडियम के हो? कौन बोल रहे हैं? अनुष्का बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अपेक्षा बोल रहे हैं? मैम अनुष्का। अनुष्का बेटा इंग्लिश मीडियम के? अनुष्का हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम तो अनुष्का इसमें फोर्थ यूनिट खोलो, अगर आपकी बुक लेके बैठे हो। थोड़ा तो हाइब्रिडाइजेशन करा दिया है ना, संकरण, और अभी हाइब्रिड बिगर सकर रोज करा है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी करा दिया, अंतः प्रजनन ये वाला जो करा है ना, अंतः प्रजनन नमन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और रोल ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग ये भी हो चुका। एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब आपका मेंडल्स ये वाला ही पूछो ना अभी तो। एक मैंने करा दिया आपको मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, एंड जैसे अपने कोडोमिनेंस कर लिया अनुष्का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर लिया, लीगलिटी कर ली, और अपनी अब बची है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड एपिस्टेसिस, ये अपन कर लेंगे। और बोलो अनुष्का बेटा, और किसको भी प्रॉब्लम है? ये किया है इसमें तो अपन एक बार बताओ। हाँ बेटा मैम, ये जो आगे सिलेबस है ना, जैसे यूनिट 4 दे रखा है, जो जैसे अपन बुक ओपन करते हैं। हाँ हाँ यूनिट 4 है बेटा, ठीक है। हाँ तो मैम इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हो ना आप, या फिर ये टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है? इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे अपन ने बुक पे सिलेबस दे रखा है अनुष्का, मेरे पास आरबीटी की बुक से मैं खोल रखी है, ठीक है, आपके पास सीबीएच की है। यूनिट 4th में डिवाइड है, यूनिट 4 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ना। तो बेटा फोर्थ यूनिट में खोल के देखो, जो उसमें हाइब्रिड ब्रीडर दे रखा है सकरोज और इनब्रीडिंग डिप्रेशन दे रखा है अनुष्का, यस है ना, सीबीएस से पढ़ा रही हूँ बेटा, और हाइब्रिडाइजेशन भी करा दिया, और रोल ऑफ म्यूटेशन देखना। फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट की रोल ऑफ म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन का रोल है ना, देख रहे हो अनुष्का, है ना। और यूनिट 3 देखो, इसके ऊपर तीसरे यूनिट को देखो अनुष्का, इसमें से अपने मेंडल्स लॉज, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कर लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर लिया, कोडोमिनेंस कर लिया, घातक जीन्स लीगलिटी कर ली, ठीक है, एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस हैं, लेकिन अपन को एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन्स करना है अनुष्का, ये है यूनिट 3 में है। अनुष्का दिख रहा है बेटा, ऊपर जाओ इसके, हाँ, तो ये करना है बेटा, मतलब मैम इनके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ना? हाँ बेटा इसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है बेटा। वैसे तो आपका तो ये है, आप 60% कोर्स से आएगा, तो आप अगर 3 यूनिट भी कर लेते हो अपेक्षा, तो आपको 10 में से 3 क्वेश्चन मिली जाएंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक, चलो अब मीटिंग एंड कर देती हूँ, ठीक है, कल अपन धीरे ले लेंगे और